और मुझे मालूम है नागा बाबा का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आशीर्वाद लगता बहुत है। दिल से अगर आप आशीर्वाद मांगे, और नहान का महत्व भी बहुत है आज, तो नहा के जैसे निकला मैं तो एक नागा बाबा दिख गए। नागा बाबा मिल गए, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, चल हट, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, चल हट, मैं नागा बाबा उधर देख भी नहीं रहा हूँ, नागा बाबा नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट, मैं कोई नागा का बाबा नहीं हूँ, मैं खुद नहा के निकला, मेरे को टावल लेके भाग गया। कुंभ के दिनों में चाहे हरिद्वार में चाहे इलाहाबाद में अगर गंगा स्नान की जाए पूरे मन के साथ तो मुराद पूरी होती है। और वहाँ स्नान करने के बाद बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, और एक प्रक्रिया और होती है, बहुत लोग वहाँ पे गौदान करते हैं, गाय को दान करते हैं, पंडा जी को दान किया जाता है, तो संपूर्ण स्नान होता है, पूजन वगैरह कराते हैं वहाँ पे। ये लड़के छात्र लोग तो कहीं भी कूद गाद के भाग आते हैं। अब देखिए पंडा जी बैठे हुए हैं, कोई स्नान कर रहा है, उनकी पत्नी यहाँ खड़ी हैं, उनके जूते चप्पल देख रही हैं, थैला देख रही हैं। अब पंडा जी उनका भी अपना धंधा चालू रहता है, समझ गए इनकी वाइफ। अच्छा अच्छा पति हैं, अच्छा अच्छा चलिए स्नान कर रहे हैं, अच्छा अच्छा गंगा मैया भला करे, सबके जो है मनवांछित कामना पूरी होगी, ये बहुत बड़ा स्नान का पर्व है, यहाँ की बहुत मान्यता है, अगर सच्चे दिल से स्नान किया जाता है हर मंगल कामना पूरी होती है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मुंबई से आए। अच्छा 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 क्या व्यवसाय है? अच्छा बैठ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, चप्पल यहाँ रख लीजिए, यहाँ बैठ जाइए, हाँ आराम से छतरी के नीचे आ जाइए, हाँ बैठ जाइए, अच्छा अच्छा हाँ स्नान कीजिए। डुबकी लगा रहा, घबरा भी रहा है। अरे गंगे जल्दी नहा के निकल, आइए आइए शीशा लीजिए, यहाँ बदल लीजिए, यहाँ जा रही, यहाँ घूम जाइए, हाँ चंदन लगाइए, हाँ झुकिए झुकिए, जोड़ लीजिए, हाँ गांठी लाइए, हाँ धोती, हाँ जोड़ लीजिए, हाँ दोनों पति पत्नी हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अपने गोत्र का नाम ले एकदम, हाँ उसने कहा भी नहीं पूजा कराओ, कहा भी नहीं काम शुरू, घूम जाइए अपने गोत्र नाम ले, यहाँ पर 5,000 रुपये दीजिए, यहाँ कुछ ब्राह्मणों का भोज कराया जाता है, इतने तो लाए भी नहीं है, कितने हैं? हाँ बस कुछ 2,500 हैं, 2,500 लीजिए, बाकी होटल से लेंगे, कहाँ ठहरे आदर्श होटल, कमरा नंबर 101 वहाँ से ले लेंगे, लिख ले लड़के नोट कर ले, ओ बच्चों के नाम बोलिए, अशोक विनोद गोत्र बोलिए, यहाँ पर एक धर्मशाला है, वहाँ पर अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ के लिए 11,000 रुपये दीजिए, लायक आदर्श होटल 11 जोड़ते जाइए, फेंक दीजिए, सूर्य की ओर घूम जाइए, सूर्य की तरफ जल चढ़ाइए, नारियल लीजिए, एक दूसरे खोपड़ी में फोड़ दीजिए, अब ये लोग घबरा गए, अब इतना चलिए अभी आपका स्नान संपूर्ण हो गया, अब कोई संकल्प लीजिए। संकल्प लिया जाता है, संकल्प लेने से जो है सारी चीजें जो है संपूर्ण हो जाती हैं, आपका नहान जो है स्वीकार हो जाता है, संकल्प लीजिए। अच्छा थैला उठाओ, थैला उठाओ, चप्पल पहनो, लाल शर्ट पहने, हम संकल्प ले रहे हैं, हम यहाँ कभी नहाने नहीं आएंगे, पानी बोतल से मंगा लेंगे। जब तक है फिल्म इंडस्ट्री में सिंटा, तब तक नहीं है कलाकारों को कोई चिंता। थैंक यू सिंटा।
तो ये थे राजू श्रीवास्तव. दिस मैन इज सीरियसली फनी मैन. हाँ, कलाकार तो अपनी कला के प्रति सीरियस ही होते हैं. You're right, Mona. Performing arts में बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनमें सीखने और समझने में सालों लग जाते हैं, फिर चाहे वो थिएटर हो, संगीत हो, गायकी हो या नृत्य हो. और हमारे बहुत से एक्टर्स हैं जो वर्षों से किसी ना किसी कला से जुड़े हैं एंड आर टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट आर्ट फॉर्म. उनमें से एक नाम है हेमा मालिनी जी का. हेमा जी ने वर्षों कड़ी मेहनत करके भरतनाट्यम नृत्य कला में निपुणता हासिल की और देश विदेश में ख्याति प्राप्त की. और आज हेमा जी अपनी इस महान कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करेंगी खास आपके लिए. और उनका साथ देंगी उनकी दोनों सुपुत्रियां. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आहाना दियोल, ईशा दियोल एंड द ग्रैंड लेडी हरसेल्फ, हेमा मालिनी.